अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का एक नया दिन, नई सुबह, और अब हम जा रहे हैं एक नई जगह। तो सुबह तो नहीं है ये, आफ्टरनून आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि हमें शार्प पहुंचना था 4 o'clock। तो मैं टाइम से पहले रेडी हो गई। पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि मैंने टाइम से पहले रेडी होकर उस जगह पर हम पहुंच भी गए थे। स्टिल हमारे पास 30 मिनट्स बचते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने, मैंने डिसाइड किया था कि हम बिल्कुल पास में ही लुलू है, तो क्यों ना वहाँ चले जाएँ, उतनी देर टाइम स्पेंड कर लें। वैसे भी कार में बैठने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टिल 30 मिनट्स रहते हैं। तो हमने सोचा कि लुलू क्यों ना एक बार चक्कर लगा लिया जाए। और मुझे एक अपनेपन की एहसास होता है यहाँ पर आने के बाद। लुलू ऐसी वाली फीलिंग देता है जैसे कि हम इंडिया में हो, जैसी ऐसी वाइब्स आती है यहाँ पर जाने के बाद। आप लोगों को किसको किसको ऐसा फील होता है यहाँ पर गल्फ में, ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा। तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं हमारे लुलू में। और यहाँ पर कुछ और भी लेडीज़ आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो को यहाँ पर कट किया, और मैं अंदर कनेक्ट करके आपको सारा कुछ बताऊंगी। बहुत ही अच्छा है अंदर से भी, और बहुत ही बड़ा है ये वाला लुलू। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा ऑफ़र चल रहा था, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 रन का ऑफर्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे चल रहे थे। बहुत सारी पब्लिक भी आ रही थी। और नीचे के यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर देखिए, इस साइड ऑफ़र वाले आइटम्स हैं, दूसरी साइड कॉस्मेटिक सेक्शंस वगैरह हैं, और उसके दूसरी साइड आपको मिल जाएगा ग्राउंड फ्लोर पर ही बुचरी सेक्शन या घर के राशन की चीज़ें वगैरह। और ऊपर के सेक्शन पर आपको मिल जाएगा ऊपर के फ्लोर पर गारमेंट्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। तो जिसकी वजह से मैं ऊपर जा रही हूँ, देखती हूँ कि ऊपर क्या क्या मिलता है। ऑफ़र तो अच्छा है, बट पता नहीं ऊपर कैसा है, क्या है डिस्काउंट्स वगैरह। ऊपर जाने के बाद ही मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। आया तुम्हारा क्रैबू? आया क्रैबू? मुझे ईगल्स का पेन चाहिए, वो भी पिंक कलर। चेकी यू वांट दिस? देखने नहीं आया? और यहाँ पर एंट्रेंस के फौरी बाद यहाँ पर है टीवी सेक्शन। तो यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, सेल्समैन बता रहे थे। हम थोड़े दिन पहले QLED टीवी लिए, और अभी आ गया है मार्केट में OLED। इतना फास्ट चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल हर 2-3 मंथ्स में कुछ नई चीज़ें अपग्रेड होती जाती हैं। बहुत अच्छा है आगे के जनरेशन के लिए, उनको एडवांस चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। और इस साइड है छोटी मोटी चीज़ें, कुछ 10 दिरहम 20 दिरहम के आइटम्स। तो यहाँ पर वैसे मुझे कुछ लेना नहीं था, अरहम की ज़बरदस्ती से मैं यहाँ पर आई, मगर मुझे यहाँ पर मिल गया था स्क्रीन क्लीनर। ये मुझे अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट ट्राई रहेगा, मैंने इसको पहले कभी ट्राई नहीं किया था। तो ये मैं लेकर जाकर ट्राई करूँगी ज़रूर घर, क्योंकि लैपटॉप स्क्रीन के लिए काम में आ जाएगा, अरहम के टैबलेट के लिए काम में आ जाएगा। तो ऐसा मैंने सोच कर उसको ले लिया है। और यहाँ पर आयत कुछ चीज़ें उनके डैड को बता रही है लेने के लिए। यहाँ पर अरहम बता रहा है मुझे, मॉम यहाँ पर वॉच है। मैंने सोचा कि असली वॉच है, देख लेंगे, बट ये था टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, क्लाइमेटिक टेम्परेचर का था, बट ये कौन लेगा। घर का ही टाइम बहुत हो जाता है मुझे, बच्चों को मैनेज करते हुए घर का टाइम को देखूं। और जाते जाते मुझे एक क्लेपॉट अच्छा लगा, और ऑफ़र भी बहुत ही अच्छा था। नॉर्मली ये 30-40 में आता है, बट इस बार 10 दिरहम में है। पता नहीं, इसको मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, पहले मैं अंदर जाऊँगी, इसके बारे में डिटेल में आपको एंड पर बात करूँगी क्लेपॉट के बारे में। और आप लोग अंदर चलिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर की साइड बताती हूँ। इस साइड है कर्टेंस, जानीमास, कारपेट्स, और दूसरी साइड पर है सारा डेकोरेटिव आइटम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है सारा डेकोरेटिव आइटम। एवरी टाइम यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं, पता नहीं ये सारा ये लोग शेल्फ से हटाकर दूसरा रिप्लेस कर देते हैं। अभी यहाँ पर इमारती कल्चर का है, तो अब हम आगे बढ़े। इस साइड है स्ट्रॉलर्स, बेबी स्ट्रॉलर्स। अरहम का हमने यहाँ से ही स्ट्रॉलर लिया था पहले, जब वो बहुत छोटा था ना, जब यहाँ से लिया था। और मेरे हस्बैंड एज यूजुअल आ गए आयत की कुछ चीज़ें देखने, क्योंकि अभी विंटर सीज़न आ रहा है ना, जिसकी वजह से उसको कुछ फुल स्लीव्स चाहिए, उसको सारे के सारे उसके पास हाफ स्लीव्स है। तो इसलिए हम आ गए थे कुछ फुल स्लीव्स देखने के लिए। तो ये है बिल्कुल 6 मंथ्स के अंदर के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर वो देखकर बता रहे थे कि ये सारे छोटे बच्चों के हैं, इस साइड आयत का कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह अंदर जाकर बताती हूँ मैं कि आयत के लिए क्या क्या है। और यहाँ पर अरहम के लिए भी हमने कुछ देखा था, बट अरहम को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर कुर्ते पैजामे मुझे बहुत अच्छे लगे, फ्लोरल प्रिंट का जो ऊपर का वास है ना, वास्कोट, वो बहुत अच्छा लगा, बट अरहम को नहीं चाहिए था वो। Look at this. Do you like this? Mama. Lelo. Ready? You hold it. Okay. And
मामा अच्छा दिख रहा है ना सो मामा मामा वाओ सो ब्यूटीफुल नहीं उनको कौन सी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता क्या वाओ पॉप अप देखो ये बच्चियां पिंक कलर ही उठाते देखो और हम ब्लैक कलर ये इनबॉर्न रहता शायद बच्चों को और ये वाला फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आया स्पेशली मुझे मेरे साइज का मिल भी गया था मीडियम साइज नॉर्मली होता नहीं है न्यू अराइवल था इसलिए मुझे मिल गया कलेक्शन वरना वो जल्दी फिनिश हो जाते हैं ज़्यादा लूज ज़्यादा टाइट ऐसे वाले मिल जाते हैं तो मैं जब तक वहाँ से ट्रायल रूम से आई यहाँ पर ये लोग आयत का माइंड डाइवर्ट कर रहे थे इस तरह से क्योंकि वो ज़्यादा देर ठहरती नहीं है एक जगह पर जो भी ट्रायल रूम में जाएगा ना तो ये बहुत सताती है कि चलो यहाँ से ज़्यादा देर टाइम नहीं स्पेंड करना उसको बस चलते रहना है या कहीं पर टाइम ऐसे माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है उसका उतनी देर पर जो भी ट्रायल रूम में जाकर है ना तो उतनी देर हमें इसका माइंड डाइवर्ट करते रहना पड़ेगा तो यहाँ पर ये लोग डाइवर्ट कर रहे थे मैंने बोला कि मैंने सारा देख लिया है मुझे चाहिए था खाली फ्रॉक यहाँ पर बॉटम वगैरह मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखती हूँ कहीं दूसरी जगह से और जाते जाते मुझे यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मिरर दिख गया ये वॉल मिरर पता नहीं ये एक है या डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह पर लगाने का है इसका नहीं पता मुझे और यहाँ पर कोई थे भी नहीं जिससे मुझे मैं आइडिया ले लूँ तो और सारी चीज़ों में यहाँ पर एक इंडियन टच होता है अपना वाला टच इसलिए मैंने बोला ना कि अपनी वाइब्स आती है यहाँ की चीज़ों में तो बहुत ही अच्छा लगा और आगे बढ़ते हैं मैं आपको आगे क्ले पॉट के पास लेकर जाती हूँ क्ले पॉट का मैं इसलिए पूछ रही थी कि जब हम कुकिंग करते हैं ना क्ले पॉट में तो वही ऐसे जैसे कि मिट्टी का टेस्ट आता है या उसमें मिट्टी की किरक तो नहीं आती है जैसे कि पकाते रहते हैं ना हम ऐसे चमचा हिलाते रहते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो बोलते हैं ना जैसे रेती के दाने तो नहीं आएंगे उसमें सालन में तो मुझे ये थोड़ा सा डाउट है जो भी इसमें पकाते हैं ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आते हैं तो मैं नहीं लूँगी अगर नहीं आते तो बता दीजिए नहीं आते तो मैं ले लूँगी तो मैंने इतना अच्छा ऑफर था तो मैंने इसको मिस कर दिया बस यही डर से कि ला के फ़ायदा बेकार ना हो जाए तो मेरे को कल जाना भी है जल्दी आओ कल जाने का नहीं आज जो काम है और ऊपर से हम यहाँ पर आ गए थे ग्राउंड फ्लोर पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि लोग यहाँ पर बहुत शॉपिंग कर रहे हैं आखिर देखते हैं क्या है यहाँ पर शूज़ में कितना ऑफ़र है कितना डिस्काउंट है तो यहाँ पर आने के बाद हमने देखा था कि 239 ऐसी तरह के यहाँ पर प्राइजेस थे और थोड़े 199 के भी थे जो एंड पर है मैं आपको बताती हूँ इस साइड के 199 के थे बट मुझे उतना पसंद नहीं आया अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है तो मुझे पसंद नहीं आए थे और हम वैसे भी दुबई आउटलेट मॉल से लेते थे वहाँ पर ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिलता था और यहाँ पर उतना मुझे डिस्काउंट नहीं दिखा और यहाँ पर आयत और अरहम की हरकतें देखिए तो मैं यहाँ पर वीडियो लेने जा रही थी मुझे क्लिप्स मुझसे गलती से क्लिप्स लिए जा रहे थे कवर चेंज हो गया लुलू का न्यू अपडेट लुलू का कवर चेंज हो गया नहीं तो वाइट पे रेनबो टाइप जाते थे देखो वैसे अपन सिटी सेंटर के अलावा कितने की टाइम के बाद लुलू आए बहुत टाइम के बाद चेंज करे अपन और ये सैलून माय सैलून का तो हम लोग बहुत टाइम से नहीं आए जल्दी टाइम नहीं है उतरो उतरो जल्दी जल्दी मेरी सीट कब्जा ओफो अरे ए डोंट गो देयर हेलो अरहम लुलू का कवर चेंज हो गया वाओ ये तो बहुत अच्छा लगा मेरे को हाँ पहले से अच्छा है ना हाँ पहले वाला ऐसा मल्टी कलर का था रेनबो टाइप ए चलो टाइम हो रहा अपना अपने पास टाइम नहीं है ए डोर क्लोज भी करते हो वाओ अभी देखो एक्साइटमेंट इनकी डैडी को छोड़ के जाते आए थे आप छोड़ दो छोड़ दो आज डैडी को छोड़ के जाते आप थैंक यू हो गया टाइम जहाँ गए आपका हार्ट शेप कहीं को मम्मा भैया आयत ये गिग गया वेयर इज भैया चलो भैया के पास आते हैं चलो हम जहाँ जाना था अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ऑन टाइम पहुँच गए इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कि हम कहाँ गए थे इसी के साथ मुझे दीजिए ज़्यादा दुआओं में याद रखिए सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए अल्लाह हाफिज़